हेलो दोस्तों मेरा नाम योगी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल मोटर स्पोर्ट वाले में और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर एस टू हंड्रेड एन एस टू हंड्रेड ए एस टू हंड्रेड एन एस वन सिक्सटी और ए एस वन फिफ्टी के स्पीडोमीटर को आप कैसे इनको रीसेट कर सकते हैं इसकी टाइम ट्रिप और इसकी सर्विस रिमाइंडर को कैसे आप रीसेट कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स जितने भी बाइकों का मैंने आपको नाम बताया उन सभी में सेम यही मीटर आता है और इस मीटर में आपको ये दो बटन देखने को मिलते हैं जिसपे एक पे एम और एक पे एस लिखा हुआ है तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं यहाँ ऑडोमीटर की रीडिंग दिखा रहा है अभी और जैसे ही आप एम को दबाएंगे तो ये ट्रिप वन दिखाएगा और उसके बाद अगर आप दबाएंगे तो ये ट्रिप टू दिखाएगा <coughs> तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रिप मीटर को कैसे रीसेट कर सकते हैं उसके बाद मैं आपको टाइम का बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप सर्विस रिमाइंडर को कैसे रीसेट कर सकते हैं तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं अभी ये ऑडोमीटर की रीडिंग शो कर रहा है और जैसे ही आप एम वाले बटन को दबाते हैं तो यहाँ ट्रिप वन आ जाती है और उसके बाद जब दोबारा दबाते हैं तो यहाँ ट्रिप टू आ जाती है अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे रीसेट कैसे कर सकते हैं इसे रीसेट करने के लिए आपको ये एस वाला बटन थोड़ी देर दबा के रखना पड़ेगा और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ जो ट्रिप टू है वो जीरो हो चुकी है अभी मैं आपको ट्रिप वन को भी जीरो करके दिखाता हूँ आपको बस ये एस वाला बटन दबा के रखना है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्रिप वन भी अभी ज़ीरो हो चुकी है और ये ट्रिप टू भी अभी ज़ीरो है और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप टाइम को कैसे सेट कर सकते हैं तो टाइम को रीसेट करने के लिए आपको ये दोनों ही बटन थोड़ी देर के लिए दबा के रखने होंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ये टाइम जो है वो ब्लिंक होने लग गया है और जब आप एस वाले बटन को दबाते हैं तो यहाँ जो मिनट है वो आगे बढ़ती है और जब आप एम वाले बटन को दबाते हैं तो यहाँ जो घंटे हैं वो आगे बढ़ते हैं तो अभी जो टाइम है वो चार बज के चालीस मिनट हो रहे हैं तो अभी मैं इसे सेट कर देता हूँ और ये गलती से मैंने फोर ए एम कर दिया अभी से फोर पी एम करते हैं हम तो यहाँ फोर फोर्टी हो गए और दोबारा हमें इन दोनों ही बटन को होल्ड करके रखना है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ टाइम है वो दोबारा सेट हो चुका है अभी चार बज के चालीस मिनट हो रहे हैं शाम के और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप सर्विस रिमाइंडर देख पा रहे हैं इसे कैसे रीसेट करना है तो इसके लिए आपको जो इग्निशन है इसको ऑफ़ करना पड़ेगा तो सर्विस रिमाइंडर को रीसेट करने के लिए आपको इग्निशन ऑफ़ करना पड़ेगा और ये जो एम वाला बटन है ये आपको दबा के रखना है और उसके बाद आपको इग्निशन ऑन करना है और कुछ देर जब आप इसे दबाए रखेंगे तो ये जो ये जो सर्विस आइकन है ये थोड़ी देर में ब्लिंक करने लग जाएगा तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ये ब्लिंक होने लगा है अभी हमें एस वाले जो बटन है उसको प्रेस करके रखना है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो सर्विस रिमाइंडर था वो गायब हो चुका है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप इन बाइक्स के टाइम ट्रिप और सर्विस रिमाइंडर को कैसे रीसेट कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते जल्दी आपसे एक नई वीडियो में तब तो तक लीड गुड राइडिंग बी सेफ